हेलो दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश साहनी और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रायोगिक ज्ञान में। तो दोस्तों, हम एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं कंप्लीट जावास्क्रिप्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एरे क्या होता है और एरे को कैसे यूज़ करें हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एरे क्या है और हमें एरे क्यों यूज़ करना चाहिए। एरे क्या करता है? एरे इज़ अ वेरिएबल, एक तरह से ये वेरिएबल है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करते हो और इसमें आप मोर देन वन वैल्यू स्टोर कर सकते हो, यानी आप मल्टीपल वैल्यूज़ एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास ड्रॉबैक क्या है कि अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 डिफरेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसे मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर आप एरे यूज़ करते हो तो एक ही वेरिएबल के अंदर आप 10 या 10 से ज़्यादा वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एरे क्रिएट करते हैं। अगर आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो आप ऐसे क्रिएट करते हो, वेयर नम इक्वल टू, इस तरह से आप वैल्यू असाइन करते हो, राइट। अगर आपको यही एरे में करना है तो आप क्या करोगे, इसको अपना मान लीजिए नम आपका एरे ही है, तो आप यहाँ पे इस तरह से सिर्फ इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आप इसको इनक्लोज कर दोगे इस वैल्यू को, तो ये आपका वेरिएबल जो था ये एरे बन गया। अब इसके अंदर आप कॉमा सेपरेट करके इसको मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है, जितनी चाहो आप उतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तो ये बन गया आपका एरे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक और तरीका है एरे बनाने का, वो ये है कि आप कोई वेरिएबल का नाम दे दो, उसके बाद में न्यू कीवर्ड यूज़ करो एंड इस तरह से एरे ए कैपिटल, और यहाँ पे आप जो वैल्यू देना चाहते हो जैसे कि 10, 20, 30, तो इस तरह से आप एरे बना सकते हो। तो दो तरीके हैं आपको एरे बनाने के लिए। द बेस्ट वन इज़ कि आप ये यूज़ करो, सिंपल है, आपका कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ता है न्यू कीवर्ड यूज़ करना है, फिर ए कैपिटल होना चाहिए, एरे लिखना है, फिर आपको वैल्यूज़ असाइन करनी है। ठीक है, तो आपको जो सही लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो, आई प्रिफर दिस वन। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल बन गया है एरे का। अगर आपको जानना है कि आपके वेरिएबल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो आप कैसे पता लगाओगे, ठीक है, तो उसके लिए एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपने अगर लिखा नम डॉट लेंथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कितने एलिमेंट्स हैं आपके एरे के अंदर। तो अगर इसको प्रिंट करना है तो हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे आपको यहाँ दिखेगा कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपने 3 यहाँ पे वैल्यू स्टोर करके रखी हैं। अब अगर आपको ये पहली वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप कैसे प्रिंट करोगे, ठीक है, तो जो एरे होता है एरे के अंदर, अगर एरे की कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है आपको, तो आपको यूज़ करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे आपको देना होता है इंडेक्स। और याद करिए दोस्तों, याद रखिए हमेशा कि एरे का जो इंडेक्स होता है हमेशा 0 से शुरुआत होती है उसकी, ठीक है, और जो उसकी लास्ट इंडेक्स होगी वो जितने एलिमेंट है -1 रहेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 1 करोगे यहाँ पे, तो 1 का मतलब ये नहीं कि आपका पहला वैल्यू प्रिंट होगा, 1 का मतलब ये है कि आपका ये सेकेंड वैल्यू प्रिंट होगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने रिफ़्रेश किया, आपको क्या मिला, 20। 20 आपको इसलिए मिला क्योंकि आप ये इंडेक्स वैल्यू डाल रहे हो, तो यहाँ पे आपने बोला 1 इंडेक्स का, तो अगर 0 से इंडेक्स शुरू होता है तो 0 पे ये है, 1 पे ये है और 2 पे ये है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे 0 इंडेक्स लिखोगे आपको मिलेगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि जो भी इसकी एरे जो जो एरे का इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है। तो इस तरह से आप एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको ये वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, एरे ऑफ 0 की वैल्यू 10 नहीं, आपको 50 रखनी है, तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हो। और अगर फिर से आप यही कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 50। तो पहले आपको ये 10 दिखाएगा, बाद में आपको 50 दिखाएगा, क्योंकि आपने सेम इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे आपको मिलेगा पहले 10 प्रिंट हो रहा था, अब ये 50 प्रिंट हो रहा है। और अगर आप कंप्लीट एरे प्रिंट करना चाहते हो कंसोल में, तो आप सिंपली कंसोल डॉट लॉग करो और एरे का नाम दे सकते हो आप नम, दैट्स इट, ये कंप्लीट एरे प्रिंट करेगा आपके कंसोल पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी 3 वैल्यू हैं एरे ऑफ 0 पे। जैसे कि मैं इंडेक्स की जो बात कर रहा था, ये देखिए आप, इंडेक्स ऑफ 0 पे आपकी वैल्यू है 50, इंडेक्स ऑफ 1 पे आपकी वैल्यू है 20, ठीक है। और जो लेंथ प्रॉपर्टी हमने देखी, अगर आप लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो आपको जितने आपके एरे के अंदर एलिमेंट है वो प्रिंट होंगे,
ठीक है, और भी एरे के फंक्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हो, आप फॉर ईच भी यूज़ कर सकते हो, ये मैं आपको लूपिंग स्ट्रक्चर में बताऊंगा। जब लूपिंग स्टेटमेंट हम देखेंगे तो आप ये फॉर ईच कैसे यूज़ कर सकते हो ये चीज़ें हम देखेंगे। ऐसे और भी फंक्शंस हैं इसके, जैसे कि एरे पॉप है, अगर आप एलिमेंट निकालना चाहते हो एरे से, एरे पुश है, अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो, शिफ्ट स्लाइस, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम एरे फंक्शंस के अंदर देखने वाले हैं। जब हमारा कंसेप्ट चालू होगा बिल्ट इन फंक्शंस, तो इसमें मैं आपको एरे फंक्शन में बताने वाला हूँ एरे के फंक्शंस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एरे बना सकते हो, एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर एरे, एक और चीज़ अगर आपको वैलिडेट करना है कि एरे खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ऑपरेटर्स में, जो जिसमें हमने एक ऑपरेटर सीखा था इंस्टेंस ऑफ, ठीक है, ऑपरेटर्स में मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, तो ये ऑपरेटर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपने कंडीशन चेक करी, इफ़ कंडीशन है आपकी, इफ दिस नम वेरिएबल इज़ ए इंस्टेंस ऑफ एरे, ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहते हो या फिर उसके बाद ही आप ये सारे ऑपरेशन करना चाहते हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, तो ही ये सारी चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए, एल्स नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारे स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, बट अगर आप जाते हो यहाँ पे और इसको आप ब्लैंक कर देते हो, ब्लैंक करने के बाद भी ये इंस्टेंस है एक्चुअली एरे का, बट यहाँ पे ये अनडिफाइंड बताएगा क्योंकि आपने इसको बनाया, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने इसको ऐसे नॉर्मली स्ट्रिंग बना दिया तो इसके अंदर नहीं जाएगा और ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये इंस्टेंस एरे नहीं है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इंस्टेंस है, तो आपको ये इंस्टेंस ऑफ नहीं मिलेगा। इस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हो कि आपका जो एलिमेंट है वो एरे है कि नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका एरे, कि आप एरे कैसे बनाओगे, आप एरे को कैसे यूज़ कर सकते हो, अगर उसका एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे एक्सेस करोगे। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा लूपिंग स्ट्रक्चर है, अभी इसको क्या करना है, अगर हमें सारी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, इसकी पहली दूसरी तीसरी सारी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, राइट, वन, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू, तब जाके ये तीन बार आपका जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। अगर मैं इसको निकाल दूँ, थ्री टाइम्स यू हैव टू राइट, तब जाके आपको ये तीनों स्टेटमेंट मिलेंगे, 10, 20, 30। बट अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ इसका जो इंडेक्स है वही चेंज हो रहा है, बाकी सब तो सेम है। तो आप इसको जो इटरेशन है इसका वो यूज़ कर सकते हो लूप, और लूप के जरिए आप ये इटरेशन जो स्टेटमेंट्स है, नंबर ऑफ लाइन्स है, वो कम कर सकते हो। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।